یہے کیا سے گوہ بناوان اتش کن کورمت یہ بیول ہسو رز کیا چھ یم کران یت بیلس یت کونگ بیلس نیوان یم کرکٹ हमारी यही है कि ये जो खासकर पहले तो रिक्वेस्ट यही है कि ये जानवर है, इस जानवर को किसी भी तरह काबू अगर इन क्षेत्र मजी योत मे गई बेकार न बने से रहन सहना क्यूत क्या न बने से खुराक सर जी मेरा नाम है आशिक हुसैन भट्ट, हम लतपोरा में रहते हैं और हमारा ये जो केसर का जमीन है, केसर की खेती हम खुद करते हैं। तो कोई जानवर आ गया इसके अंदर के जो पिछले करीबन 2 महीने से इस बीज को निकालते हैं, खाते हैं, बहुत सारे इतने सारे नुकसान किए हैं। लेकिन इसके बारे में हमने हुकाम तक भी ये आवाज़ पहुंचाई लेकिन कोई मदद ही नहीं वहाँ से मिला। तो आपने भी खुद अपने आंखों से भी यहाँ पर देखा, आप यहाँ पे आपका पहले तो बहुत वेलकम है आप आए यहाँ पे कि आपने ये देखा अपने आंखों से कि कैसे कितना क्या नुकसान हो गया और क्या क्या इसने किया। तो इसके बारे में हम हुकाम से और एक बार भी आपकी वसादत से ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि हमको इसके बारे में कुछ मदद मिलना चाहिए। आज नाव अब्दुल अबस्तगी कोंग जमीन सत्यन अत पैदावार सत्यन अंदवंद जी अजदाद पेठन वन गो यह मसला आख आज ब्रो 3 रेत लगभग नवंबर पे आज ताम आई हज वन तिम त्रुंज तम तमो कोर यह जमीन खत्म हजे यह बिल फल वल फल कड़ कड़ अत बारस मज़ करे डायरेक्टर साहबस गुजारिश तमिस करे फोन तम दब हा कर कस तम फोन तम कोर चीफस चीफन दप हेको ना कहें कर पता सूज टीम तमो कर फोटोग्राफरी हासिल नजर आव कहें न गवर्नमेंट अत म सजान कह क्या करो इन कूत नुकसान गसान इन क्या करो तिमन वनो वाइल्ड लाइफ वाले गई वाइल्ड लाइफ वाले तमो दप हेको करते क्या अम मशीन यमो सतम कबू कर असल पापर इस यह जदी बूदी कोंग आमुत पापरस मज अत मजे 36 गाम यम जन सिर्फ तो सिर्फ यह यो जमींदारी करान अगर इन 36 गाम मजे त्रुंजी योत मते अस गई बेकार न बने से रहन सहना क्यूत क्या न बने से खुराक। जैसे जैसे आदमी खोते वैसे ये भी खोते हैं, जैसे बीज निकाला खाते हैं या टुकड़े कर कर बाहर निकालते हैं तो ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन इसके बारे में इसके मतलब इसके साथ में हमारे पास बहुत सारे मतलब हुकामों को हमने मतलब फोटो भी डाले हैं और ऐसे इतला भी किया है कि हमको ये प्रॉब्लम है लेकिन कोई इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई बोलता भी नहीं कुछ कि इस अगर ये जानवर है तो इसको क्या करे। उस करा रिक्वेस्ट सिर्फ गवर्नरस करी चीफ अत क्या तो न करे डायरेक्टर अत क्या मैं कहने कहीं कर सोर कथ इन त्रम फोटोग्राफरी इम गोफ हाक तमो हूँ कहीं कर। देखिए जैसे आपको पता है कि हमारा पांपोर का एरिया जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम मतलब सैफरान कल्टीवेशन के हवाले से बात करें तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे पारकोपाइन का मसला जो है बहुत ही डैमेज वाकई कर रहा है सैफरान कार्मज को। तो इसके बारे में हमने एक तो हम पहले ये बोलेंगे कि ये जो पारकोपाइन है ये प्रोटेक्टेड एनिमल है तो कोई भी इसको मार नहीं सकता है। तो हमने वाइल्ड लाइफ जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके साथ भी ये टेकअप मसला किया था कि इन पारकोपाइन के बारे में हमें मतलब इस एरिया को थोड़ा क्लीन कर दीजिए, तो वो भी शायद इसमें लगे हुए हैं। तो हमने अपने तरीके से इसमें एक हमारा जो रिपेलेंट है एक हर्बिल्यू नाम करके एक रिपेलेंट था, एक कंपनी आई थी तो उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उसका जो है छिड़काव वहाँ पे किया था उस रिपेलेंट का, तो उससे हमें कुछ फ़ायदा मिला था। जिस एरिया में हमने उसका छिड़काव किया वहाँ से ये इधर उधर चले जाते हैं लेकिन फिर फार्मर कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद ये फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये हर्बिल्यू का जो ये केमिकल है जिसका छिड़काव करने के बाद ये थोड़ा दूर हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी जो हमारी है सुकास्ट उनसे भी हमने ये टेकअप किया मसला, तो वो भी साथ थे, हम भी साथ थे, हमने इकट्ठे इसका डेमोंस्ट्रेशन वहाँ पर किया और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ये पारकोपाइन का मसला वहाँ पे बना हुआ है इसको हम कंट्रोल कर सकें। इसको हमने मेरे ख्याल से दिसंबर में ही हमने इसका जो किया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डेमोंस्ट्रेट वहाँ पे किया था, हमारे यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट भी वहाँ पे थे, मैं भी था, हमारे ऑफिसर्स भी वहाँ पर थे। तो फिर मैं जब हमने देखा डेमोंस्ट्रेशन के बाद जब इसका अच्छा रिज़ल्ट आया तो हमने उस कंपनी को कहा था कि इसको थोड़ा मतलब यहाँ पर अवेलेबल कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक वो इस चीज़ को वहाँ पे अवेलेबल रखेंगे।